तो हेलो गाइस, रात बहुत ठंड हो रही है, देख ही रहोगे रास्ते में कोहरा वोरा पड़ रहा है। मैं अपनी मोटरसाइकिल यानी अपनी साइकिल पे लेके जा रहा हूँ फुल फॉर्म में। हाँ तो गाइस देखे हम आ चुके हैं, ये हमारी पहले फैक्ट्री थी छोटी सी, यानी हमारी नहीं गांव में से किसी की थी, अब तो टूट गई है। ये देख लीजिए ये खेत, देखिए आप हरे हरे खेत, ये गाजर हो रही है। सामने एक व्यक्ति साइकिल पे ही जा रहे हैं, पीछे का दिखाऊं क्या, तो वो पीछे उस रास्ते से हम आ रहे थे अभी चल के। हरियाली देखिए बस, तो कोहरे में बस भाई हमारी तो हालत टाइट है, इतनी ठंड हो रही है। आज मैं ग्लव्स ही लाने भूल गया, देखो ये देखिए गुप्त रोगी लेपवासी भाई, ये तो चलता ही रहेगा। ये देखिए गांव की बात ही अलग है भाई, ये देखिए गाड़ी जा रही है, लोग काम करते हुए नहीं दिख रहे। देखो मैं दिखाता हूँ, कहीं गाजर वाजर निकाल ले हम लोग खेतों से। इधर देखिए 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 देख गए होंगे छोटे छोटे से गाजर भी, दिखाऊँ क्या। अरे उतर तो नहीं सकता मैं, कोचिंग के लिए लेट हो जाऊँगा बाइक। देखिए देखिए ये अपना क्या हो रहा है, ये हो रहे हैं शायद आलू। हाँ आलू, ये ईख है, ईख तो जानते हो गए, गन्ने हमारे यहाँ तो गांडे कहते हैं गन्ने कहना गांडे कहने बहुत अंतर है भाई। हम कट पे आ गए हैं, कट का क्या, इधर इधर डूरी के लिए जाता है, इधर नए गांव के लिए जाता है। इस वाले को देखिए, ये हमारा एक स्कूल है सत्यम आई टी आई। इधर ही अनवरपुर के लिए रास्ता जाता है, अनवरपुर तो अगर आपको तो नहीं पता होगा। स्कूल को अच्छे से दिखा देता हूँ, खैर तो ये चलता है नहीं चलता इसका तो मुझे पता नहीं, पहले तो चलता था शायद, मैं इसमें पढ़ा हूँ, नहीं इसमें नहीं पढ़ा, मैं एन के मेमोरियल में पढ़ा था। यहाँ पर नई ट्वेल बन रही थी शायद, यहाँ पानी की कमी पड़ गई थी। ये नर्सरी है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ उग रहे हैं, अब तो बहुत सारे उखाड़ भी लिए। अब देखिए लोग अपने काम के लिए जा रहे हैं, ड्यूटी, बहुत सारी गाड़ी आई है पीछे से। ये एक चौराया आ गया, देखो देखो देखो, इधर अनवरपुर, इधर डूरी, इधर सामने हम जा रहे हैं पलखोवा। हम आ रहे हैं अपने गांव से निकल के, जिसका नाम है नया गांव, यानी प्यार से नया गांव कहते हैं। ये है हमारे यहाँ सीमेंट की ईंट बनती है यहाँ पर, मैं जूम कर लेता पर एक हाथ से साइकिल चला रहा हूँ, वैसे भी ठंड है, अगर मैं हाथ छोड़ के चलाऊँ गिर गया तो बहुत चोट लग जाएगी। ये इधर देखिए चमेली के फूल, शायद चमेली के हैं, पता नहीं किस चीज़ के। इधर ये नर्सरी है पूरी, यहाँ अच्छे अच्छे हाइब्रिड फूल उगाए जाते हैं। ये ट्वेल्व, ये ट्वेल्व गिर गई थी, बहुत टाइम हो गया, 2 महीने हो गया, अभी नई बनाई गई है। उस टाइम बारिश आई थी और आंधी भी आई थी, गिर गई थी। ये देखिए लोग दिखाता हूँ आपको, काम कर रहे होंगे, देखो देख रहे होंगे छोटे छोटे से, मैं जूम नहीं कर पा रहा। इधर देखिए ट्रैक्टर दिखाता हूँ, सारे ट्रैक्टर इधर दिख गया होगा। अच्छा भाई गांव बहुत अच्छा है भाई, ना ही इतना प्रदूषण है, सब लोग आराम से काम करते हैं। इधर देखिए लोग जी रहे हैं आराम से। अगर आपको डेली व्लॉग चाहिए तो बता देना, मैं डेली डालता रहूँगा, या कोचिंग जाऊँगा या स्कूल जाऊँगा या कुछ भी जो मैं करता रहूँगा। ये देखिए ट्रैक्टर बिल्कुल क्लियर, ये देखिए यहाँ पर गाय चराई जा रही हैं, बहुत सारी गाय हैं पशु। आ गए हैं यहाँ पर, यहाँ से मेरे सारे दोस्त लड़के आते हैं, दोस्ती हैं वो उससे पढ़ने आते हैं मेरी कोचिंग में, ठीक ठाक है लोग सब। ये देखिए स्टेलर वटका, सावधान रहें सतर्क रहें, और हमारे साथ यही जुड़ते रहें। अब मेरे को साइकिल थोड़ा तेज चलाना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं कोचिंग के लिए लेट हो गया तो मैं वाले से डांट लगाएंगे। खाली लैंड पड़े हैं, कैसे दिन चल रहा है, फ्लैट फ्लैट ही बनेंगे अभी, और
डबल ट्रक, इस पर लिखा है चौधरी मसूद वारी। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये प्लॉट कटे थे ना, तो यहाँ पर भी काम चलने वाला है कुछ दिनों में। लोग जाए जा रहे हैं, मैं इग्नोर करे जा रहा हूँ। ये 12 देखो, इसका एक अलग ही सीन है, बाद में बताता हूँ। यहाँ पर ना एक वो है, बताते ही शराब खाना है, शराब खाना नहीं, ठेका जिसे ठेका कहते हैं, वह शराब रखी जाती है बेचने के लिए। तो यहाँ पर पानी मिलाने के लिए आते हैं लोग पीने के लिए। ये जरा देखो शराब खाना, गलत चीज़ भाई, ये सब देखना ही नहीं है। इतना आ गया ही नहीं गाँव रनपुर का मोड़, 3 रास्ते हैं भाई हमारे, और एक बहुत पीछे से भी है, उधर भी दिखाऊंगा कभी हो जाऊँगा। देखिए अब हम हाईवे पर आ चुके हैं, देखिए सामने बहुत सारी गाड़ी जा रही है, अब देखते रहिए आप। ये देखिए वहाँ भी पा चुके हैं, गाड़ियाँ इसमें से एक भी मेरी नहीं है। किसी की बात है, तो बड़ा ट्रक, बड़ा ट्रक। पहले मुझे ट्रक देखते थे ना भाई, इनको पीछे भागते थे, एक बार तो चोट लग गई थी मुझे क्योंकि पीछे भागते भागते। हिंदुस्तान धर्म काटा, क्षमता 150 टन। हाँ, इधर हम कटाएँ पर ट्रक ट्रक अपना बोझ रखवाते हैं, क्या सामान कितना लेके आ रहे हैं। तो आप आगे चलते रहिए, प्राइम ऑटोमोबाइल्स देखते रहिए भाई। ये नर्सरी है हमारी, देखिए ये बहुत बड़ी नर्सरी है, नहीं तो बहुत सारे पेड़ है तरह तरह के, बढ़िया बढ़िया। अब तो जब हाईवे बनाता तो थोड़ा इधर काट भी दिए गए थे पेड़, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ज़्यादा ज़रूरी था इनके लिए, पेड़ नहीं, लोगों का यही है भाई। तो भाई आज हम कोचिंग से आ गए हैं, अब संडे का दिन था पता ही होगा, 12 पे दूसरे रास्ते से आए हैं। देखिए इधर आज मदर डेयरी पानी भाई, ये 12 का पानी भाई मस्त ठंडा ठंडा भाई, तो गर्म आ रहा होगा ये भाई, नेचर अपने हिसाब से देता है पानी भाई। ये ब्रो इधर थोड़ा गंदगी है क्योंकि इधर वो है नहर भाई, मम्मी बताती थी कि पहले बहुत साफ थी पर अब गंदी हो गई, लोगों ने फैक्ट्री है जैसे कि, और 2-4 फैक्ट्री और पीछे भी हैं, और जो हमारे गांव के थे और आसपास के जो लोग थे वो इसमें नहाने लगे, साबुन वाबुन गंदा नालियों का पानी इसी में गिरने लगे, तो अब ये बहुत गंदी है। देखिए सड़क देख लीजिए आप कितनी पुरानी है, ये पुरानी भाई बहुत पुरानी सड़क है। कोई नहीं आपको मैं दिखाता हूँ, यानी रास्ते में बहुत कम ही लोग आते हैं, बहुत बहुत कम। कोचिंग का रास्ता इधर पड़ता है, नहीं दूसरा भी पड़ता है, बस मैं इधर से आ ही रहा हूँ आप लोगों को बस दिखाने के लिए ला रहा हूँ। ये देखिए अब तो ईंख की कटाई भी चालू हो गई है रास्ते भाई, साइकिल में पिंचर ना हो जाए बस इसी बात का डर है। ये देखिए इधर ये हरियाली, इधर ये गेहूँ हो रहे हैं, हाँ शायद गेहूँ ही हो रहे हैं। ये ईंख की कटाई चालू हो गई है, ईंख की कटाई, ईंख कटते हुए मैं बताता हूँ क्या होता है। ईंख को जब काट लेते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इन्हें बहुत से जो ताज़े ताज़े होते हैं उन्हें तो जानवरों को खवा देते हैं, जो ये पत्तियाँ सी पड़ी हैं, अगोला कहते हैं ना, अगोला, हाँ अगोला। बाकी जो ये बच जाती है इन्हें जला देते हैं, प्रदूषण तो होता है बहुत, और आपको मैं दिखाऊंगा कभी अगर मौका पड़ा जब ये जलाए जाएंगे तो बहुत सारे आग की लपटें उठ रहती हैं ऊपर को, यानी बहुत ज़्यादा उजाला हो जाता है रात में भी अगर जलाएं तो। देखिए पानी बहुत गंदा है, आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा गंदा है, इसमें हमारा ही हाथ है, हम लोगों का ही हाथ है इसे गंदा करने में, प्रकृति को हम ही नष्ट कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आती जा रही है हम प्रकृति को नष्ट करते जा रहे हैं। अब खुद ही देख लो मदर डेयरी खुल रही है, पहले गाय भैंस का दूध पीते थे, अब ये थैली वाला दूध पीने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है लोगों को। ये देखिए पंछी देखे उड़ रहे हैं यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले ही बोया गया होगा कुछ, यहाँ पर बीज होंगे, वही बीज चुग रहे हैं ये। यहाँ पे देखिए बीन काटी गई है, इनसे हमारे बोंगे बनाए जाते हैं, बढ़िया चीज़ है ये भी, इनमें भूस भूस भरा जाता है, बढ़िया चीज़ है। ये देखिए यहाँ से दिखाता हूँ, देखो कितना गंदा हो रहा है बम्बा, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है बम्बा,
ये देखते रहिए आप। देखिए सामने से लोग ये बंगले से निकला है, शायद ही उतने उतने गया होगा किसी को पता नहीं। अब हम आगे आ गए हैं, देखिए रास्ता तो बहुत पुराना है, तो मट्टी वट्टी धूल वूल सब गिर चुकी है। गांव वाले भाई साफ ही नहीं कराते, प्रधान ही ऐसे, हम क्या ही कर सकते हैं। अगला हो या पिछला हो, सारे प्रधान को बस खाना ही होता है पैसा सरकार का, और हमारा गांव वालों का लगाते तो एक रुपया भी नहीं है। ये गाड़ी घास से मैं तो रहा हूँ, मेरे बहुत गंदी बदबू आ रही है। अगर एक मिनट में कैमरा स्विच करके दिखाता हूँ, ये कैमरा स्विच तो नहीं पाएगा, मैं तो मैंने मास्क लगा रखा है, देखो इतनी गंदी बदबू आ रही है। खैर मास्क तो लगाता ही हूँ। ये सामने कुछ बच्चे और उनकी माता जी और दादी जी यहाँ पर अपना काम कर रही है, लकड़ी वकड़ी काटने का। पानी इतना ऊपर आ चुका है इसका बहुत हद से ज़्यादा, किसी टाइम पे बम्बा बहुत साफ हुआ करता था, बहुत साफ। बताते हैं मेरी मम्मी और उनके नहीं मम्मी के जो नाना थे, सभी मेरे नाना थे, वो बताते हैं कि हम तट पे बैठ के इस बम्बे के हम नहाया करते थे। ये देखिए यहाँ पे वो लगा रखा है, गंदे पानी से ही ये अपने खेतों में भर देते हैं पानी, क्योंकि ट्वेल वेल तो है नहीं यहाँ अब भाई। पहले जैसा ना ही खाना बचा है ना कुछ, सब गंदगी वंदगी जैसा भी है डाल देते हैं, डिटर्जेंट विटर्जेंट जो भी इस पानी में घुला होता है, कैरोसिन वैरोसिन कैरो कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल भाई जो भी हो हमें क्या पता भाई। बहुत गंदा वातावरण हो चुका है आजकल गांव हो या शहर। गांव में तो फिर भी कम है, शहर में तो बहुत ज़्यादा है भाई। ये इधर देखिए हरियाली हरियाली, ये हरियाली से भाई बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है भाई। ये देखिए पहले ऐसे रहा करते थे ट्वेल, यहाँ बैठ के खाना खाते थे जब घर परिवार वाले लाते थे। ये केले के पेड़ देखिए, इस पानी की वजह से पेड़ भी नष्ट होते जा रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं। अब थोड़ी देर में मैं तो फिर गांव पहुंचने वाला हूँ, उसके बाद व्लॉगिंग बंद कर दूंगा, वरना गांव वाले जाके वापस कह देंगे मेरे भाई। क्या करें, जलना तो हर किसी को होता ही है, पता ही है लोग। ये उपले भाई, इन उपलों का तो भाई क्या ही, इन उपलू भाई को लोग कहते हैं ना ये गंदगी से बने हैं भाई। इन पे बैठ के तुम्हारे माँ बापों ने दादा वादाओं ने खाना खाया है, इन्हें जला जला के, और इनका खाना इनकी इनसे बनी हुई रोटी का अलग ही स्वाद होता है। तो गैस की खाते हैं लोगों को कुछ पता ही नहीं है, अब तो मोमोज चिली यही सब खाते रहते हैं लोग, कभी इनके इन उपलों पर बनी हुई मक्का की रोटी भाई क्या। देखो उधर लोग डाई लगा रहे हैं खेतों में, अब पहले जैसा खाद लगाते ही नहीं है लोग, अब डाई वाई से ही सब कुछ कर देते हैं, का 45 ज़्यादा पैदावार के लिए। अरे देखो मेरी साइकिल में कुछ चढ़ गया है, दिखाता हूँ ये, अभी निकालना पड़ेगा, चलो निकाल दिया, आगे चलते हैं। कोई नहीं, ये तो होता रहता है सब। वहाँ देखिए ये दूसरे खेत में चोरी करते हुए ऐसी चोरी ऐसी तो ऐसे कोई मना नहीं करता, फार्मर वार्मर सर यहाँ पर अच्छे होते हैं, किसान विसान वो पालक वालक तोड़ रहे होंगे। मैं भी लेके जाता था पहले ऐसे जब छोटा था, नहीं यहाँ से नहीं लेके जाता था, अपने मामा नाना को उनसे लेके जाता था, क्योंकि मेरे मामा नाना के पास बहुत ज़मीन है। इधर देखिए पाल ये साग हो रहा है शायद, साग हाँ साग ये ट्वेल देखिए, ये तो खैर चल नहीं रही, ये ट्वेल नहीं चल रही, हाँ अभी चली होगी थोड़ी देर पहले पानी तो। ये देखिए जलाने के लिए डंडी रख रखी है खुले में, जब ज़रूरत पड़ती है तो यहीं से ले जाते हैं लोग अपने घर पर जलाने के लिए। ये देखिए ये है ना जा रहे तो सरसों ही सरसों। आपको देखो अपने नाना का खेत दिखाता हूँ, नाना का नाम महेंद्र है, इतने सारे देखिए ये सब उनके ही हैं। देखिए ट्वेल भी उनकी, ये सब जितने भी खेत दिख रहे हैं ना इधर बाउंड्री से इधर ये इधर सब खेत उनके ही हैं। अब देखो हम ट्वेल पे आ चुके हैं, ये ट्वेल तो अभी नहीं बनी है, कुछ साल पहले ही बनी है क्योंकि मैं देख के गया था। ये देखिए झोड़ है बहुत गंदा भाई, बहुत गंदा। इधर
यहाँ पर सारे गांव का पानी आके इकट्ठा होता है, वॉशरूम का हो, नहाने वाने धोने का, जो भी हो। आज मैं बस तुम्हारी वजह से इधर निकल के आया हूँ दिखाने के लिए कि गांव का भी कैसा होता है। जैसे गांव में भी टेक्नोलॉजी आने लगी है, लोग टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं और खेतों का भी नाश, सब चीज़ का नाश करते जा रहे हैं। ये देखिए गांव आ चुका है। गांव में तो हर तरह के लोग रहते हैं, हर जाति के, हर रिलीजन के, हर उसके। यहाँ पर जात पात तो खैर इतनी नहीं होती है, खैर इससे बारे में बात भी नहीं करना चाहिए कि हर रिलीजन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हर कास्ट की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। देखिए प्रेशर पानी में, लाइफ में नहीं, हमारा तो दोनों।